अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज या वेब सीरीज देखना पसंद करते हो तो नेटफ्लिक्स की टॉप 3 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये 3 जो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ना, ये मैंने देखी है और ये अब तक की मुझे ना बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म लगी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट फिल्म जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म नेटफ्लिक्स की, उस फिल्म का नाम है अननोन कॉस्मिक टाइम मशीन। इस मूवी की जो कहानी बताई गई है डॉक्यूमेंट्री फिल्म की, वो कुछ ऐसी है कि नासा को है ना एक बहुत ही बड़ा टेलीस्कोप बनाने का है। तो वो टेलीस्कोप बनाने के समय कितनी मुश्किलें आती हैं साइंटिस्ट को, और वो टेलीस्कोप बनाते समय वो उसको लॉन्च करते समय कितनी मुश्किलें आती हैं, ये सब दिखाई गई है इस मूवी में। साथ ही बहुत सारे हजारों साइंटिस्ट मिलकर मेहनत करते हैं, और फिर जब रॉकेट लॉन्च करने का समय आता है और जब उनका मिशन फेल हो जाता है, तो ऐसे इमोशनल सीन भी देखने को मिलेंगे। बट एंडिंग के सीन में जब हजारों साइंटिस्ट मिलकर मेहनत करते हैं और जो उन्होंने गलती उनसे पहले हो चुकी थी उसको दोबारा रिपीट नहीं करते, तब उनका जो मिशन सक्सेसफुल होता है ना, वो सीन देखने में काफी ज्यादा अच्छे हैं। मतलब कि ऐसा एकदम रियल फील आ जाती है कि अपन एक रियल कोई फिल्म देख रहे हैं नासा की। ऐसा मतलब देखने में बहुत अच्छे सीन्स लगते हैं वो। तो ऐसी कुछ कहानी बताई गई है इस मूवी की, अननोन कॉस्मिक टाइम मशीन की। तो ये फिल्म जो है वो हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। आप ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म को है ना फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ना ही किसी भी टाइप के वॉयलेंस के सीन्स है फिल्म में, ना ही किसी भी टाइप की वल्गर लैंग्वेज यूज करी है। तो आप फैमिली के साथ भी ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देख सकते हो। और एक और बात कहना चाहूंगा कि ये जो फिल्म है ना, इसमें आपको देखते समय ना बोर फील बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब डॉक्यूमेंट्री फिल्म में कैसा होता है, बोर फील होता है ना देखने में, इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग नहीं रहती। बट ये वाली जो फिल्म है ये देखने में एंटरटेनिंग भी है और आपको बोर फील भी नहीं। जो मैं आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताने जा रहा हूँ उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम है द डीपेस्ट ब्रीद। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी मैं देख चुका हूँ। ये वाली भी मैं ना मुझे बहुत अच्छी लगी देखने में, एंटरटेनिंग भी है और इसमें भी बोर फील बिल्कुल भी नहीं हुआ मुझे देखते समय। इसकी जो कहानी है वो कुछ ऐसी बताई गई है कि एलिसा नाम की एक लड़की है, उसका है ना सपना है कि वो फ्री डाइवर बनना चाहती है। अब ये फ्री डाइवर क्या होता है? फ्री डाइवर वो होता है जो समुद्र के बहुत ही ज्यादा नीचे जाते हैं और सांस रोकनी पड़ती है उनको बहुत ही ज्यादा देर तक, और उनको एक रिकॉर्ड सेट करना पड़ता है, उसको बोला जाता है फ्री डाइवर। तो ये उसका सपना है वो लड़की का कि वो फ्री डाइवर बनना चाहती है। तो ये फ्री डाइवर बनते समय कितनी मुश्किलें आती हैं उसकी जिंदगी में ये दिखाया गया है। साथ ही इसकी फ्री डाइवर की ट्रेनिंग में उसकी मरने की जैसी हालत हो जाती है वो लड़की की, वो भी दिखाया गया है मूवी में। कितनी मुश्किलें आती हैं उसकी जिंदगी में, वो उसको कैसे सामना करती है उन मुश्किलों का, ये सब दिखाया गया है इस मूवी में। मूवी जो है वो ये वाली भी अच्छी है देखने में, एंटरटेनिंग है, बोर फील मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ ये मूवी देखते समय भी। और ये मूवी भी हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। ना ही किसी भी टाइप के वॉयलेंस के सीन्स है, ना ही कोई 18+ के सीन्स है। फैमिली के साथ देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये फिल्म भी अच्छी है देखने के लिए, आपको बोर फील बिल्कुल भी नहीं होगा ये फिल्म को भी थर्ड देखते नंबर की समय। जो फिल्म है, थर्ड फिल्म बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म, उस फिल्म का नाम है द एलिफेंट विस्पायर्स। इस फिल्म को तो है ना ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का। ये फिल्म तो है ना मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में से। इसकी जो कहानी है ना वो भी मुझे अच्छी लगी देखने में, और सीन्स भी इस मूवी के काफी ज्यादा अच्छे हैं। मतलब कि इस मूवी में ना नेचर की खूबसूरती बहुत अच्छे से दिखाई गई है। साथ ही एक एनिमल और ह्यूमन के बीच एक अच्छा बॉन्ड दिखाया गया है इस मूवी में। मतलब कि इस मूवी की जो कहानी है वो कुछ ऐसी बताई गई है कि एक ना यंग कपल नहीं है, ज्यादा उम्र का जो कपल है ना, उनको एक हाथी का बच्चा मिलता है। उस हाथी के बच्चे का ये दोनों कपल अपने ही बच्चे के जैसा ख्याल रखते हैं, ये दिखाया गया है इस मूवी में। साथ ही मूवी में ना नेचर की खूबसूरती भी दिखाई गई है, और ये मूवी देखने में भी मुझे अच्छी लगी देखने में, बोर फील बिल्कुल भी नहीं हुआ। और मूवी में ना मुझे क्या चीज अच्छी लगी देखने में, मूवी का जो एंडिंग का सीन है ना इस मूवी का, उसमें ना लास्ट सीन में छोटे छोटे बच्चे ना हाथी के दांत के ऊपर चढ़ के उसे निला रहे हैं। मतलब कि मैं जब भी हाथी को देखता हूँ ना सड़क पे, तो बच्चे हाथी से डर के भाग जाते हैं, बट इस मूवी में हाथी के दांत के ऊपर चढ़ के छोटे छोटे बच्चे उसको निला रहे हैं, तो वो सीन देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे।
ओवरऑल मुझे ना मूवी अच्छी लगी देखने में, एंटरटेनिंग है, हिंदी डबिंग में अवेलेबल है। अब तक मैंने आपको जितनी भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई है वो तीनों मूवी है ना आप देख सकते हो, फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। किसी भी टाइप की वल्गर लैंग्वेज नहीं है, ना ही कोई वॉयलेंस के सीन्स है। नहीं तो कैसा होता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है ना लोग ज्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बोर फील होता है ना, बोरिंग सीन्स होते हैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म में। बट ये तीन बेस्ट मैंने आपको डॉक्यूमेंट्री फिल्म बताई है, तो आप ये ना फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, आपको बोर फील भी बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं ये तीनों मूवी खुद देख चुका हूँ, मुझे भी बोर फील बिल्कुल भी नहीं हुआ। आपको भी ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी देखने में, एंटरटेनिंग भी है। अगर आपने ये तीनों डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखी है, नेटफ्लिक्स की टॉप 3 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, तो कमेंट करके ना जरूर बताइएगा कि आपको ये तीनों मूवी कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स का अवेलेबल है हिंदी डबिंग में, परिवार के साथ बैठ के देखो और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि डेली है ना मेरे चैनल पे नए नए मूवीज रिव्यू और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।